गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ है, क्या मशरूम से सोना मिलेगा। हाल ही में गोवा में दो शोधकर्ताओं ने एक जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनो कणों का संश्लेषण किया है। मशरूम की इस प्रजाति को गोवा में व्यापक रूप से स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता है। मशरूम की इस प्रजाति का नाम टर्मेटोमाइसिस है। यह प्रजाति दीमक की पहाड़ियों पर उगती है। स्थानीय रूप से इसे रोन ओल्मी के नाम से जाना जाता है। शोध के अनुसार मशरूम की इस प्रजाति को शुद्ध त्रिआयामी गोलीय रूप में संवर्धित किया गया है। साथ ही सोने के नैनो कणों का उत्पादन करने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। शोध टेलर और फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित जियो माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यानी जो रिसर्च हुआ है इसको जर्नल में भी पब्लिश कर दिया गया है। जो ये रिसर्च हुआ है इसका टाइटल है टर्मेटोमाइसिस हेमी पैलेट्स का उपयोग करके उत्पादित AUNPS का जैव संश्लेषण और लक्षण वर्णन। हालांकि पहली बार मशरूम की इस प्रजाति को शुद्ध कल्चर में लाया गया है और इसे पैलेट्स के रूप में उगाया जाता है। इसका उपयोग सोने के नैनो कणों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इससे पहले नैनो कणों के लिए अर्क का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे संश्लेषित करने के लिए पैलेट्स का उपयोग किया जाता है। अर्क तैयार करने के लिए बहुत सारे मशरूम की आवश्यकता होती है, लेकिन पैलेट्स के लिए केवल एक मशरूम की आवश्यकता होती है। यह रिसर्च औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है। सोने के नैनो कण वैश्विक बाजार में संभावित रूप से बेहद आकर्षक हैं। वहीं फरवरी 2016 में 1 मिलीग्राम सोने के नैनो कणों की कीमत लगभग $80 थी। तो ये थी एक न्यूज़ जो कि मशरूम से सोना मिलने का दावा करती थी, जो कि ये सही न्यूज़ है।